सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज यार आज हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर के बारे में। तो गाइज जैसा कि आपको याद है कि मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें मैंने स्टोरी एक्सप्लेन की थी कि क्या कुछ है। तो उसमें हुआ क्या था, बोरिस और त्यागी जो है यहाँ पे जो है धनतारा को लेना चाहते हैं, मतलब दोनों ही धनतारा को लेना चाहते हैं, आधा आधा डिवाइड है दोनों में, लेकिन दोनों ही लेना चाहते हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि UGW जब गेम आएगा तो उसमें कितने वेपन हमको देखने को मिलेंगे। तो गाइस कल की वीडियो में मैंने आपको जो है न्यू वेपन भी दिखाया था, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने वेपन होंगे टोटल, कौन कौन से होंगे, इमेजेस दिखाऊंगा मैं आपको, और रिलीज डेट क्या होगी, गेम कितने MB का होगा और गेम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बताता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे वेपन आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि रिलीज़ डेट क्या होगी। तो गाइस यहाँ पे जो रिलीज़ डेट है वो है मई, अभी तो जून चल रहा है, मई तो कब की निकले, तो जुलाई जो है मिड जुलाई में हो सकता है आपको अर्ली एक्सेस या वीटा मिले। और रिलीज़ डेट इतना तो कंफर्म है कि एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल को ख़त्म होने से पहले जो आपको मिल जाएगा, मतलब दिसंबर में ही मिलेगा, तो इतना तो कंफर्म है। बट अर्ली एक्सेस बीटा वर्जन जो है आपको मिड ऑफ जुलाई मिल सकता है, ऐसी कुछ लीक्स आ रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कि साइज कितना होगा। तो गाइस यार गेम का साइज लगभग 300 से 800 MB होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इतना हो सकता है, और 1.5 GB भी हो सकता है, मतलब 1.5 GB भी हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आओ बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स और फिर साइज को लेकर डिस्कस करते हैं क्या है साइज इसका। तो गाइज यार जब प्ले स्टोर पर आप आओगे UGW सर्च करके, यहाँ पे अबाउट गेम में जाओगे, सबसे लास्ट में जब आप पहुँच जाओगे तो यहाँ पे गेम इन्फो मिलेगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड OS वेरियस डिवाइस ओवर बाई मेन स्टूडियोज़ के नीचे जो है आपको लिखा होगा कि कंपेटिबिलिटी और छोड़ो उसको, नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा है दिस डिवाइस जो मेरा है कंपेटिबिलिटी, मतलब मेरे डिवाइस में चलेगा, वर्क्स ऑन योर डिवाइस, रिक्वायर्ड OS वेरियस विद डिवाइस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है मेरे डिवाइस में तो चलेगा, आप यहाँ से देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर UGW मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम स्टोरेज 2 GB, मिनिमम रैम 2 GB। तो इसका मतलब 2 GB चाहिए होगी, मतलब 2 GB वाले फ़ोन में चलेगा, और हो सकता है 1 GB वाले में भी चल जाए, अगर 300 से 800 हुआ MB साइज, बिल्कुल लो ग्राफिक्स में फिर चलाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। बट 2 GB के लिए सिर्फ 2 GB से लेके हर आगे तक के 2, 3, 4, 5 में सब में चल जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कितना साइज होगा। तो इसके हिसाब से 1.5 GB हो सकता है, फिर 300 से 800, मेरे हिसाब से 300 से 800 होना चाहिए, तो बहुत अच्छा गेम चलेगा, मतलब इंडियन मार्केट में फिर गेमिंग फील्ड में बहुत अच्छे से चल जाएगा एक इंडियन गेम होते हुए हिसाब से। क्योंकि इससे पहले अभी आपको मैं दिखाता हूँ 4G भी आया था, वो कुछ कर नहीं पाया है, अर्ली एक्सेस में पड़ा है बस। ये देखो ये आया था बेकार सा गेम, और यहाँ पे ये अर्ली एक्सेस भाई काफ़ी चल रहा है। तो इसका अर्ली एक्सेस मेरे हिसाब से मिड ऑफ जुलाई मिलेगा आपको, अर्ली एक्सेस या बीटा वर्जन हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि गेम में कितने जो है हमारे गन्स होंगी, कितनी टोटल होंगी, कौन कौन सी होंगी। तो चलो अभी हम सो गाइस जब आप इनके ऑफिशियल जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पे आओगे जो कि वेरीफाइड है, तो उसमें से सबसे पहले हमको धनतारा मैप मिलेगा, लेकिन आप जैसे नीचे जाओगे आपको ये जो मिलेगा, तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि त्यागी के हाथ में कट्टा है, और एक के हाथ में जो है UGI है, और बोरिस के हाथ में M4A1 है, और यहाँ पे उसका जो एक टीममेट है उसके हाथ में AK-47 है। तो यहाँ पे चार गन तो हो गई हैं ऐसे ही, ठीक है ना, चार गन तो ऐसे ही हो गई, और हैमर है एक, और एक वो मलबेरी वाली जो स्किन थी उसकी वो थी। तो यहाँ पे हो गई चार गन, पांच गन हो गई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और गन जो कि मैंने कल आपको डिस्कवर की थी, पांच और ये मिला के 6 जो बोरिस पिस्तौल पकड़ा है, 6 गन हो गई। अब सातवीं गन मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए। सो गाइस जो सेवन्थ गन है वो है मैक 7,
यस गाइस, ये मैक 7 है और मेरे थंबनेल में भी आपने मैक 7 देखी होगी। तो गाइस ये मैक 7 है और ऊजी तो कंफर्म है। मैक 7 का मेरे को इतना कंफर्मेशन लग नहीं रही क्योंकि वो सिर्फ दिखाई गई है। तो गाइस मैक 7 यहाँ पे है। टोटल यहाँ पे हमारी 7 गन्स है अगर हम टोटल करें तो वहाँ पे हमको 5 गन मिली, 6 गन हो गई थी और ये 7वीं गन। तो 7 गन टोटल अभी तक दिखी हैं और 8वीं गन है एक स्नाइपर है जो कि कार 98 है। और गाइस जो इसमें हेलमेट होने वाला है बहुत ही अलग टाइप का होने वाला है। आप जैसे कि देख सकते हो बहुत ही अलग टाइप का हेलमेट है। यहाँ पे हमको मिलेगा कहीं पे, यहाँ पे हमको मिलेगा जो स्नाइपर वाला था। और गाइस मैंने एयर ड्रॉप भी ढूंढ लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये एयर ड्रॉप हम लोगों का होगा। ऐसा एयर ड्रॉप हमको देखने को मिलेगा। चलो एयर ड्रॉप भी कंफर्म हो गया है तो मैं आपको बिना किसी देरी के दिखाता हूँ कि वो उस स्नाइपर कहाँ पे है। सो गाइस यार मेरे को उसकी फ़ोटो तो नहीं मिली, मैंने कहीं देखी थी बट सॉरी, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। बट मैंने आपको बता दिया टोटल 7 गन्स होने वाली है और मैंने अपने जो है थंबनेल में भी सारी गन्स दिखा रखी है तो आप उधर भी चेक कर लेना, टोटल 7 गन्स होने वाली हैं। तो गाइस यार आज की वीडियो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस अगली वीडियो मैं जो है अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर के ऊपर बनाऊंगा। अगर भाई अगर बात रही ड्यूड थेफ्ट वॉर की तो मैं उसे छोड़ दूंगा कम्प्लीटली, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि ड्यूड थेफ्ट वॉर के ऊपर बनाऊंगा बट अभी एक बेटर वाला गेम आ रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए। और अभी जो आवाज़ आई है वो कुर्सी की थी तो माफ़ करना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।